Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Imad Electronic. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम इसी वीडियो में दिखा रहे हैं, ये हमारे पास स्टेटर है सीलिंग फैन का और इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ये मशीन से हमने भरा था, मशीन से वायरिंग किया था, लेकिन क्या हुआ, इसमें कुछ कॉइलों में मशीन उल्टी चल गई। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर मशीन कॉइल उल्टी डाल देती है तो उसके कनेक्शन सीधे कैसे करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं मशीन दिखा देता हूं, जिससे हमने ये रिवाइंड किया था। ये मशीन है हमारी, ये थी तो सादी वाली, हमने ऑटोमेटिक बना लिया, ये अलग से मीटर परचेस करके। ये देख सकते हैं, ये इसके टर्मने हैं। तो दोस्तों मशीन तो मीटर लगाने के बाद में ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन फिर भी मैकेनिक भाई को या जो भी पंखा भर रहे हैं हमें ध्यान रखना होता है, मशीन एक तरफ सीधी कॉइल डालेगी और दूसरी उल्टी कॉइल डालेगी, यानी एक बार सीधी घुमानी चाहिए और दूसरी कॉइल जब हम डालेंगे तो इधर घुमानी चाहिए उल्टी। दोस्तों हम जब इसे ऑटोमेटिक पे सेट कर देते हैं मशीन, तो उल्टी सीधी दोनों तरफ को चलती है। एक कॉइल पूरी करने के बाद में दोबारा जब हम बटन दबाएंगे, ये बटन प्रेस करेंगे, ये लेफ़्ट राइट बटन है, स्विच है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक काम करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, वोल्टेज कम होने की वजह से, लो वोल्टेज की वजह से मीटर थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है, सेंसर काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मशीन जो है दोबारा भी उसी साइड में चल जाती है। तो दोस्तों हमें पंखा भरते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मशीन किस साइड में चल रही है हमें। लेकिन अब कॉइल तो उल्टी पर ही गई है हमारी, अब हम उसे सीधा करने का तरीका बताते हैं दोस्तों। तो ये जो स्टेटर है हमारा, इसमें आप देख सकते हैं अच्छा, जब मशीन से भरते हैं कोई भी कॉइल उल्टी पड़ती है तो उसमें एक निशान आ जाता है वायरिंग का, जैसे इसमें भी दिखाई देगा कहीं से, ये साइड में देख रहे हैं हम, तो देख सकते हैं दोस्तों पकड़ो, ये जो बाकी और कॉइलें देख सकते हैं, कहीं से कोई लंबा तार नहीं निकल रहा कॉइल में, देख सकते हैं किसी भी कॉइल में लंबा तार नहीं निकल रहा। लेकिन जब हम इन कॉइलों को देखते हैं दोस्तों, देख सकते हैं, तो ये लंबा तार निकल रहा है, ये देख सकते हैं, यानी हमारा ये तार देख सकते हैं, नज़र आ रहा होगा साफ, ये लंबा निकल गया, जबकि अगर सीधी कॉइल पड़ी हुई है तो ये तार इसमें अंदर जाता है। तो यही हमारी कॉइल उल्टी है, यहाँ से मशीन हमारी इस साइड में, जब एक कॉइल उल्टी पड़ गई है तो दोस्तों जाहिर बात है तो सारी कॉइलों के कनेक्शन चेक करने पड़ेंगे जो इधर से लीड की तरफ हैं। तो अभी हम दिखाते हैं, तो दोस्तों हम इस तार को काटेंगे और उसके बाद में कनेक्शन इसके सीधे करेंगे। ये हमारी लीड है, देख सकते हैं, ये हमारी लीड है, एक लीड ये निकली है हमारी और दूसरी है, ये एक ही साइड लीड आ गई हैं दोनों, अब हम इसे सीधे करेंगे। तो ये कॉइल का तार है हमारा, जिससे हमें काटना था, ये मैंने काट लिया है इसका तार, ये अब देखते हैं हमारी कितनी कॉइलें कटेंगी। ये लीड है हमारी, एक जगह रोक रही है, एक जगह रोक रही है, ये लीड है हमारी, तो
ये एक कॉइल, एक दो तीन, और ये चोटी तो कटी गई है हमारी, चार कॉइलें निकालनी है। ये कॉइलें निकालनी नहीं है, सिर्फ इसके कनेक्शन देखने हैं। तो पहले जो हमने पेपर लगाया इसे निकाल लेते हैं, आराम के साथ निकालेंगे, कोई हमारा वो तार नहीं कटे। वालेकुम सलाम। तो पेपर भी हमने निकाल लिया, ये पेपर भी निकाल लिया हमने। ये पेपर भी निकाल लिया दोस्तों। तो अब देख सकते हैं, जैसे हमारी इस कॉइल का कनेक्शन इधर है, तो अब इस वाली कॉइल का कनेक्शन हम इसमें देंगे। तो पहले इसे देखने के लिए, ये तार तो हमारा इस कॉइल का हो गया, इस वाली कॉइल का देखते हैं हम कौन सा सिरा है। तो आराम से बारीक सा पेचकस या फिल्म सीट डालेंगे इसमें, और ये निकल कर आ जाता है हमारा। ये देख सकते हैं, ये बहुत आराम से निकल कर ही आ गया। इसे भी काट लेंगे हम, ये जो निकला हुआ तार है आराम के साथ हम इसे यूं करके घुमा देंगे। ये देख सकते हैं हमारा ये वाला तार, तो ये वाला जो कनेक्शन है वो इस कॉइल का है, और ये वाला कनेक्शन ये वाला इस कॉइल का है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इधर वाला तार है जो ये यूं घूम रहा है हमारा, इस साइड वाले को इसमें जोड़ देंगे दोस्तों। आराम के साथ ये जोड़ दिया है मैंने, कनेक्शन हमारा ये आ जाता है इसी कॉइल का। और अगली कॉइल का दोस्तों सिरा ये है हमारा, ये जो हमने दूसरी कॉइल काटी थी इसका सिरा ये है हमारा। इस कॉइल का फिर दूसरा सिरा भी हमें निकालना होगा, तो फिर आराम के साथ इसे पेचकस डालेंगे और सिरा निकाल देंगे। और दोस्तों सिरा निकालते वक्त ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है हमें, कि हमारे जो सीरीज़ का ही सिरा है या कोई और कॉइल का तार तो नहीं कटा हमारा। तो ये आ रहा है निकलता हमारा, ये निकलता है, ये सीरीज़ ही है कॉइल की दोस्तों। इसे भी काट लेंगे और इसे बैक करेंगे, ये हो गया। बाकी का इसका जो लंबा सिरा हो रहा है वापस कॉइल में डाल के, ये देख सकते हैं इस कॉइल का सिरा ये आ गया है और इधर वाली का ये आ गया। तो इसे यूं जोड़ देंगे, ये
अब दोस्तों ये जैसे मैं उधेड़ रहा हूँ, ये तो अभी इसी कॉइल का सिरा है। अगली कॉइल का सिरा हमने जो काटी थी वो ये है। इसमें ये देख सकते हैं, ये चमक रहा है हमारा, ये चमक रहा है। ये इसको हम आराम के साथ पकड़ेंगे या फिर पेचकस से इसे बैक कर देंगे, आसानी से हमें उधर निकल जाएगी। ये निकला है। हर कॉइल के दो सिरे होते हैं दोस्तों। इस वाली कॉइल का तो ये हो गया हमारा, पिछले वाली कॉइल का, और अगली वाली का ये हो गया। ये दोनों एक जगह ही आ रहे हैं, तो अब इसे जोड़ने के लिए हम फिर उससे अगली कॉइल का सिरा देखेंगे। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कॉइल काटने से पहले ये कंफर्म कर लें हमारा सीरीज का ही तार है ये, या कोई सा कॉइल का अंदर वायरिंग का तार तो नहीं है। तो जैसे मैंने कंफर्म कर लिया ये वायरिंग का तार नहीं है, सीरीज का ही तार है, सीरीज से हम काट लेंगे। और बैग घुमा लेंगे, ये देख सकते हैं, जैसे देख रहे हैं हम इसी कॉइल में से आ रहा है दोस्तों। तो ये वाला जो इस कॉइल के सब बराबर में ये सिरा है, इसे हम इधर वाली कॉइल में जोड़ते हैं। तो इसको हम इधर वाली कॉइल में जोड़ लगा देते हैं, ये जोड़ दिया है। अब हम ये जो पिछली कॉइल का सिरा है इसमें तो नहीं जोड़ सकते, वरना फिर ये उल्टी हो जाएगी। तो अब इसका क्या करेंगे, ये तो हमने काट लिया था, अब इससे अगली वाली कॉइल, इस वाली कॉइल में जो इस कॉइल से इस कॉइल में जो सीरीज आ रही है, इस वाला सिरा देखेंगे कहाँ है। दोस्तों जैसा देख सकते हैं हम, ये हमारी वायरिंग के दोनों लीडें एक ही तरफ आ गई हैं, और हमने यहाँ से काटना स्टार्ट किया था। तो ये देख सकते हैं ये कॉइल की जो कॉइल का तार है वो यूं घूम रहा है, और अब इधर से सीरीज ऐसे चलेगी और फिर यूं चलेगी, यानी उल्टी सीधी चलेगी फिर यूं चलेगी। और अब ये लास्ट कॉइल है हमारी, तो इसकी तो लीड निकली हुई है हमारी। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहले हमने तार काटा था इसे बैक कर लेंगे, फिर घुमा लेंगे, दो तीन फेर उतार लेंगे, क्योंकि हमें लीड डबल भी करनी होती है। ये उतार लेंगे, अब ये जो हमने लीड निकाली थी इसे हम वापस इधर ले जाकर, और ये जो कॉइल है, ये जो पिछली वाली कॉइल है, इसके सिरे में जोड़ दें। ये हमने जोड़ लिया, अब देख सकते हैं इधर एक लीड हमारी ये हो गई है, और दूसरी लीड हमारी ये हो गई है, देख सकते हैं जूम कर, ये हो गई एक लीड, और एक लीड ये हो गई। दोस्तों मशीन उल्टी चलने का तो पता हमें हाथों हाथ भी चल जाता है जब हम ध्यान रखते हैं तो मशीन पे, और अगर किसी वजह से वहाँ ध्यान नहीं रहता हमारा, नज़र चूक जाती है या ध्यान बहक जाता, तब हम जब पंखा पूरा करेंगे
तो ये जो लीडें हैं हमारी ये एक ही तरफ आ जाती हैं दोनों, यानी आनी तो ये ऐसा चाहिए जैसा आप दिखाई दे रही हैं, एक इधर इस साइड में आनी चाहिए कॉइल की और एक इस साइड में आनी चाहिए, लेकिन जब हमारी मशीन कहीं से उल्टी चल जाती है तब ये दोनों लीडें जो हम हमारी करंट की हैं वायरिंग की ये एक ही साइड में आ जाती हैं। तो हमने सुधार लिए हैं दोस्तों जोड़ लगा लगा कर, और सिर्फ हमें सुधारने के लिए यही देखना होता है बस, क्योंकि जब हमारी कॉइल हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे हम देख सकते हैं ये वाली कॉइल हमारी इधर से पड़ रही है, तो हम हिसाब लगा लें एक इधर से पड़ रही है तो दूसरी साइड में घूमनी चाहिए, तीसरी इस साइड में घूमनी चाहिए, चौथी ऐसे, यानी उल्टी सीधी घूमनी चाहिए। फिर हम हिसाब लगा करके आराम से अपनी लीडें सीधी कर सकते हैं इस फार्मूले से जैसे हमने ये सीधी कर ली। बाज़ भाई कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और क्या करते हैं ये कोयला काट काट के निकाल देते हैं, दोबारा पंखा भरते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आज कॉपर का रेट बहुत हाई हो गया। तो दोस्तों स्टिक से हम वायरिंग उल्टी पड़ी हुई तो सीधी कर सकते हैं, और दोस्तों ये भी होती है जो मोटर में भी अगर कॉइल उल्टी पड़ जाती है तो उसी तरीके से सीधी कर लेते हैं दोस्तों हम। तो आज की हमारी यही वीडियो थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.